स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरतने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे एक्सरसाइज 3.4 व्हिच इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन फॉर्मूले एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ओके, तो हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट टू थर्ड तक तो हमने कंप्लीट किया है। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो फोर्थ वन हम कंसिडर करेंगे एलएचएस एंड देन हमें आरएचएस ये लाना है। साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री, आई थिंक आपके फॉर्मूले लर्न हो चुके होंगे। ओके, सो नाउ कंसिडर LHS विच इज इक्वल साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 39 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 50 डिग्री। क्या कर सकते हैं? देखो, डी फैक्टराइजेशन में हमने जो फॉर्मूलेस देखे हैं वो हमें यूज करनी है। एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मैम? हम 2 साइन A इंटू कॉस B, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यही क्यों? देखो, फर्स्ट साइन A एंड सेकेंड कॉस A, तो आप बोलेंगे हम 2 तो नहीं है, वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। देखो, 2 से डिवाइड किया है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 39 डिग्री प्लस 2 साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री, ठीक है। और अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज इक्वल टू हाफ। ए की वैल्यू 18 डिग्री है एंड बी की वैल्यू 39 डिग्री है फर्स्ट के लिए, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी मीन्स 18 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी मीन्स 18 डिग्री माइनस 39 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट का कंप्लीट हो चुका, अब इसके लिए अप्लाई करते हैं प्लस साइन ऑफ, दोनों का एडिशन देना है, 6 डिग्री प्लस 50 डिग्री एंड प्लस साइन ऑफ 6 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट कंप्लीट, बस अब सिंप्लीफाई करना है। हाफ इंटू साइन ऑफ 18 डिग्री प्लस 39 हमें मिलेगा 57 डिग्री, आप चेक करके लेते हैं। यहां प्लस साइन ऑफ माइनस 9 माइनस 8 1 21 डिग्री, चेक करके देखो। ओके, एंड प्लस साइन ऑफ 21 डिग्री एंड प्लस साइन ऑफ माइनस 9 डिग्री, ठीक है। 6 माइनस 15 माइनस 9, अब क्या करेंगे? विच इज इक्वल टू हाफ साइन ऑफ 57 डिग्री। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, माइनस साइन 21 डिग्री, ये माइनस साइन वहां आएगा। कैसे? हमें पता है, रिजल्ट है हमारे पास। और यहां माइनस साइन 9 डिग्री, कौन सा रिजल्ट हमने यूज किया है? हम साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव गेट कैंसिल, सो विच इज इक्वल टू मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू, क्या बचा है? 1/2 इंटू ब्रैकेट साइन 57 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। तो यहां कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? साइन सी माइनस साइन डी, जो फैक्टराइजेशन में हमने देखा है, विच इज इक्वल टू हाफ। लेकिन फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस ऑफ, दोनों का एडिशन देना है, 57 डिग्री प्लस 9 डिग्री अपॉन 2 इंटू, यहां कॉस है तो यहां कौन होगा? साइन 57 डिग्री माइनस 9 डिग्री अपॉन 2, ब्रैकेट कंप्लीट। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? साइन सी माइनस साइन डी एंड विच इज इक्वल 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। ओके, विच इज इक्वल टू 2 टू गेट कैंसल कॉस 57 प्लस 9 मीन्स 66 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 57 माइनस 9 मीन्स 48 डिग्री अपॉन 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉस 33 डिग्री इंटू साइन 24 डिग्री। एंड आप देख सकते हो दिस इज अवर आरएचएस एंड नेक्स्ट, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन एलएचएस विच इज इक्वल cos 20 डिग्री इंटू
cos 40, cos 60 and into cos 80, ठीक है? And which is equal to हमें लाना है 1/60. तो दो तरीके से आप जा सकते हो. कैसे? सबसे पहले cos 60 का लोग पुट कर देते हैं 1/2 into cos 20 into cos 40 into cos 80. आप एक बात ऑब्जर्व करो, 20 से डबल 40, 40 से डबल 80, मीन्स हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं. तो क्या करेंगे, अगर साइन 2 थीटा का रिजल्ट हमें यूज करना है तो हमारे पास 2 होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए एंड कॉस थीटा होना चाहिए. देखो कॉस 20 डिग्री हमारे पास है तो साइन 20 भी हमारे पास होना चाहिए, लेकिन है नहीं. सो साइन 20 डिग्री से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड साइन 20 डिग्री से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है? बाकी का ऐसे करते थे, cos 20 डिग्री into cos 40 डिग्री into cos 80 डिग्री, ठीक है? और दूसरी बात, 2 भी चाहिए, है हमारे पास? नहीं. तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, which is equal to 1/4, 2 sin 20 डिग्री into cos 20 डिग्री. By then this result, what do we get? Yes, sin 40 degree into cos 40 degree into cos 80 degree और अपॉन में है sin 20 degree. हम फिर से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, sin 40 है cos 40 है, किसकी जरूरत है? 2 की. है हमारे पास? नहीं. तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है? सो 2 sin 40 degree into cos 40 degree, ओके, into cos 80 degree and upon sin 20 degree, ठीक है? तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे? sin 80 degree, so which is equal to sin 80 degree and cos 80 degree as it is upon 8 into sin 20 degree, ठीक है? which is equal to, देखो फिर से यहाँ 2 की जरूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, cos 80 डिग्री तो अपॉन कौन होगा? 60 इनटू sin 20 डिग्री, sin 20, सो व्हिच इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमें कौन मिलेगा? डबल होना चाहिए, सो sin 160 डिग्री अपॉन 60 इनटू sin 20, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, देखो this numerator can be written like this, sin of 180 degree minus 20 degree. Check करते हैं, 180 degree minus 20 degree means 160 degree and upon 60 into sin 20 degree, which is equal to sin of, देखो 180 degree है means pi, pi को ratio change नहीं होता है, so हमें यहाँ मिलेगा sin 20 degree. Positive या negative? 180 minus 20 means हम ये second quadrant में, सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है तो यहां हमें ये पॉजिटिव मिलेगा अपॉन 60 इनटू साइन 20 डिग्री. साइन 20 साइन 20 गेट कैंसिल, सो व्हिच इज इक्वल टू 1/69. दिस इज आवर आरएचएस एंड हेंस हमें आरएचएस मिला. दूसरा वे कौन सा है मैम? देखो यहां से हम दूसरा वे यूज कर सकते हैं. cos 20 है, सब टर्म्स यहां cos में है, तो अगर 2 cos a into cos b फॉर्मूला हम यूज करें तो भी अच्छा रहेगा. 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos of a plus b plus cos of a minus b और फिर आगे सिंपलीफाई करना है. ये मेथड हम यहां यूज करेंगे sin के, ठीक है? एंड लास्ट नंबर 6th वन, LHS which is equal to sin 20 degree into sin 40 degree into sin 60 degree and last one into sin 80 degree और हमें RHS में लाना है 3/60, ठीक है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले sin 60 का लूप पुट कर देते हैं, √3/2, बाकी का एज़ रखेंगे, sin 20 degree into sin 40 degree into sin 80 degree, ठीक है? तो देखो which is equal to this √3/2 as it is. यहाँ भी sin है, यहाँ भी sin है, तो हम 2 sin a into sin b means de factorization for
फॉर्मूला में सबसे लास्ट फॉर्मूला ही हमने देखा था, टू साइन इंटू साइन बी मीन्स कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए टू है हमारे पास नहीं, तो क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई भी करना होगा एंड डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, सो साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, ये हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, विच इज इक्वल टू रूट 3/4 टू इंटू टू, और इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखो ब्रैकेट cos of a minus b means 20 minus 40, 20 degree minus 40 degree minus cos of a plus b 20 degree plus 40 degree, okay, bracket complete, और ये number है this sin 80 degree, ठीक है, which is equal to root 3/4 cos of, यहां मिलेगा minus 20 degree, okay, minus cos of 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस रूट थ्री बाय फोर एज इट इज, यहां कॉस ऑफ माइनस 20 डिग्री इज कॉस 20 डिग्री, ओके, और साइन 80 डिग्री से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो इंटू साइन 80 डिग्री, मिडिल साइन इज माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, विच इज इक्वल टू √3/4 कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, फिर से आप देख सकते हो यहां कॉस है यहां साइन है, तो अगर हम 2 एडजस्ट कर लेते हैं तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 cos a into sin b, बट इसके लिए फॉर्मूला क्या है, sin of a plus b minus sin of a minus b, ये फॉर्मूला हम यूज करके आप चेक करके देखो राइट है या नहीं। तो पहले हमें 2 एडजस्ट करना होगा, √3/8 लेना होगा, 2 से डिवाइड किया ना और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2/2 इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, दिस टू टू गेट कैंसल, विच इज इक्वल √3/8 2 cos a sin b, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन ऑफ a प्लस b 80 प्लस 20 मीन्स 100 डिग्री, ओके, माइनस साइन ऑफ a माइनस b means 20 minus 80 means minus 60. ठीक है, this two to get cancel minus sin 80 degree. सॉल्यूशन बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, टू दैट इन सेक्शन डी। सॉल्यूशन बड़ा है लेकिन एक ही फॉर्मूला, एक या दो ज्यादा फॉर्मूले हम यहाँ यूज नहीं करते। ठीक है, so this question is for 4 marks. Now, which is equal to √3/8 into sin 100 degree. Okay? तो ये जो minus sign है, ये minus sign बाहर आ जाएगा. So, this negative becomes positive. बाहर क्यों आया है आपको पता है. And minus sin 80 degree. यहाँ क्या किया है हमने? ये result use किया है. Sin of minus theta is minus sin. ठीक है, विच इज इक्वल √3/8 दिस 100 कैन बी रिटन लाइक दिस 180 डिग्री माइनस 80, ओके, साइन 60 मीन्स √3/2 एंड माइनस साइन 80 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस अलाइन एंगल हमें यूज करना है। देखो 180 है मीन्स रेशियो चेंज नहीं होगा, सो हियर वी गेट साइन 80 डिग्री, बट पॉजिटिव है इसलिए 180 माइनस 80 मीन्स हम है सेकंड क्वार्टर में एंड सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है, तो ये भी हमें पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री, सो प्लस साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री गेट कैंसल, सो विच इज इक्वल √3/8 इंटू √3/2, सो विच इज इक्वल टू 3/60 एंड
दिस इज आवर आर एच एंड हेंस फोर एंड हेंस एक्सरसाइज 3.4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सेकंड व्हिच इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन फॉर्मूले एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले इज कम. ठीक है, थैंक यू.